हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाही पनीर भटूरे के साथ बनाएंगे। आप शाही पनीर के साथ भटूरे खाएंगे तो आप छोले के साथ खाना भूल जाएंगे। इसके लिए आधा किलो पनीर लिया है, आधा किलो टमाटर 4-5 हरी मिर्ची के साथ, और बारीक कटा हुआ धनिया, और एक आधा कटोरी काजू, और एक 2 चम्मच आप खरबूजे के बीज लिए हैं जिन्हें हम पानी में डाल के भिगो लेंगे। काजू और खरबूजे के बीज का पेस्ट बना लिया, पनीर को क्यूब्स में काट लिया और टमाटो प्यूरी तैयार कर ली है। इसके लिए हमें आधा चम्मच जीरा चाहिए, कसूरी मेथी आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप, धनिया 1 चम्मच, 2 चम्मच चीनी चाहिए, और हमने टमाटो प्यूरी का पेस्ट तैयार कर लिया और काजू पिस्ते का खरबूजे का भी पेस्ट तैयार कर लिया है। अब 3 टेबलस्पून हम ऑयल ले लेंगे, ऑयल कम 2 भी ले सकते हैं। अब जीरा डाल देंगे, उसमें मसाले डाल देंगे और हम टमाटो प्यूरी भी उसमें डाल देंगे और मसाले को चलाना शुरू कर देंगे। मसाले को चला के हम इसको थोड़ी देर बाद ढक्कन से ढक देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। 5 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे और फिर अलग से हम दूसरी जगह 1 गिलास पानी उबाल लेंगे और फिर इसमें हम देख लेंगे मसाला हमारा भुन गया है तो हम इसमें वो खरबूजे के बीज का पेस्ट डाल देंगे और खूब अच्छे से इसे हम चला लेंगे। चलाने के बाद वापस हम इसे एक बार और फिर से ढक देंगे ताकि और अच्छे से मसाला हुआ पानी ऐड कर देंगे। 5 मिनट और ढक देंगे पकने। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के साथ साथ हम इसमें 2 चम्मच जो है चीनी डाल देंगे, साथ ही साथ हम इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे। अब कस्तूरी मेथी डाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद गैस ऑफ़ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब हमारा शाही पनीर रेडी हो चुका है। अब भटूरे बनाने के लिए आधा किलो मैदा लेंगे, आधी कटोरी हम सूजी लेंगे, 1 बड़ा टेबलस्पून देसी घी लेंगे और आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच नमक लेंगे। अब मैदे में हमने सूजी डाल दी है, नमक और अजवाइन भी हम डाल देंगे। अब धीरे धीरे इसमें हम घी को गर्म करके 2-3 टेबलस्पून हम घी डाल देंगे। अगर हमें घी बाद में मत्ते टाइम अगर हम कम लगता है तो उस घी हम और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम से सारे आटे को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर मुट्ठी नहीं बनती है तो थोड़ा घी और डालेंगे हम। देखिए हमारी अब मुट्ठी बन गई है। अब हम इसको पानी की सहायता से अब आटा गूंदना शुरू कर देंगे। आटा ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा ढीला होगा, मीडियम आटा रखेंगे। इसका हम भटूरे की जगह नान भी बना सकते हैं। अब घी लगा के आटे को हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे और अब हमारा हम इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे आधे घंटे बाद। और देखिए मैंने बेल लिया, इसको कढ़ाई में तल लिया, इसको पलट लिया और एकदम खस्ता भटूरे तैयार हो गए हैं। आप इसका नान भी बना सकते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और शाही पनीर के साथ अगर आप एक बार इसे खाएंगे तो आप छोलों के साथ खाना भूल जाएंगे और हर बार शाही पनीर के साथ भटूरे बना टेस्ट करके देखेंगे। भटूरे बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनते हैं, इसके आप नान भी बना सकते हैं इसी आटे का सेम का। हमारी शाही पनीर भटूरे की थाली रेडी है, टेस्ट कीजिए। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।